नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राजकुमार जांगड़ा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैथमेटिक्स। आज हम एलिमेंट्री फंक्शंस एंड मोबिस ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट 5 स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में तो हम थ्योरम्स कर चुके हैं, तो अब हम करते हैं कुछ क्वेश्चंस। देखो, फाइंड द मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन विच मैप्स द पॉइंट्स z1 इज इक्वल टू 2, z2 इज इक्वल टू आयटा एंड z3 इज इक्वल टू -2 इन टू द पॉइंट्स w1 इज इक्वल टू 1, w2 इज इक्वल टू आयटा एंड w3 इज इक्वल टू -1। तो देखो कैसे सॉल्यूशन निकालते हैं हम इस क्वेश्चन का। तो रिक्वायर्ड ट्रांसफॉर्मेशन इज गिवन बाय, हमने क्रॉस रेशो सीखी है। क्रॉस रेशो में हम क्या करेंगे, एक जो W4 लेने की बजाय उसको W कंसीडर कर लेते हैं, Z4 की बजाय वहां पर Z ले लेते हैं। देन वी नो दैट W माइनस W1, ये W4 की जगह हमने लिखा है, W2 माइनस W3 अपॉन, W माइनस W3 एंड W2 माइनस के W1, दिस इज इक्वल टू Z माइनस के Z1 और Z2 माइनस Z3 अपॉन Z माइनस के Z3 और Z2 माइनस Z1। तो अब इन सभी पॉइंट्स की वैल्यूज यहाँ पर पुट कर देंगे जो जो हमें गिवन है। तो देखो लेफ्ट साइड क्या बढ़ेगी, W माइनस 1 और आयटा प्लस 1 और दिस इज W प्लस 1 और आयटा माइनस 1, दिस इज इक्वल टू Z माइनस 2 और आयटा प्लस 2 अपॉन Z प्लस 2 और दिस इज आयटा माइनस 2। तो इस टाइप से ये बन जाती है। तो अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, कैसे कर सकते हैं। इधर आ जाएगा W माइनस 1, W प्लस 1, ये ऊपर चला जाएगा क्रॉस और ये वाली क्वांटिटी इसके नीचे आ जाएगी। क्या आ जाएगा, Z माइनस 2 आयटा प्लस 2 आयटा माइनस 1 Z प्लस 2, दिस इज आयटा माइनस 2 एंड आयटा प्लस 1। तो अब क्या करेंगे, पहले इनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। W माइनस 1 बाय W प्लस 1, दिस इज इक्वल टू Z माइनस 2 बाय Z प्लस 2। अब ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले आ जाएगा आयटा स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 आयटा माइनस आयटा और माइनस 2 अपॉन में क्या आ जाएगा, माइनस 1 आयटा स्क्वायर प्लस आयटा माइनस 2 आयटा और माइनस 2। तो देखो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, इसको हम लिख सकते हैं Z माइनस 2 बाय Z प्लस 2 और ऊपर आ जाएगा आयटा माइनस 3 अपॉन ये आएगा इधर माइनस 3 और माइनस आयटा। तो माइनस कॉमन ले लेते हैं इसमें,
माइनस कॉमन ले लिया तो आयटा प्लस 3। अब रैशनलाइज कर सकते हैं इसको, भाई या तो इसको हम इस टाइप से पहले मल्टीप्लाई करें और फिर सोल्व करें, या दूसरा मेथड था इसको हम रैशनलाइज करके सोल्व कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसको रैशनलाइज करें तो क्या आएगा, दिस इज आयटा माइनस 3 अपॉन आयटा माइनस 3 जेड माइनस 2 बाय जेड प्लस 2 माइनस 12 ए स्केयर, ये आयटा माइनस 3 का होल स्केयर अपॉन आयटा स्क्वेयर माइनस 1 माइनस 9, ये इनटू में है, दिस इज जेड माइनस 2 बाय जेड प्लस 2। ऊपर क्या आ जाएगा सोल्व करेंगे, आयटा माइनस 3 का होल स्केयर देखो क्या बनता है, दिस इज माइनस 1 प्लस 9 माइनस के 6 आयटा, दिस इज 8 माइनस 6 आयटा। तो इसमें से ये बाहर माइनस है तो ये आ जाएगा 6 आयटा माइनस 8 और 2 कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा, दिस इज 2 कॉमन लेने के बाद 3 आयटा माइनस 4 अपॉन में माइनस 10 आ गया, 2 से ये कैंसिल कर देंगे तो देखो हमारे पास क्या बनता है, ये किसकी वैल्यू आ जाती है, w माइनस 1 अपॉन w प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 4 माइनस 3 आयटा अपॉन 5 इंटू आ जाएगा z माइनस 2 बाय z प्लस 2। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। तो अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, w की, देन यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो यहाँ क्या आता है, जो न्यूमरेटर है उसको ऊपर भी लिख दिया और नीचे भी लिख दिया, अब जो डिनोमिनेटर है उसको ऊपर ऐड कर दिया और नीचे सब्ट्रैक्ट कर दिया, इधर भी ऐसे ही 4 माइनस 3 आयटा और z माइनस 2 ऊपर लिख दिया और 4 माइनस 3 आयटा और z माइनस 2 नीचे लिख दिया और ऊपर न्यूमरेटर को हम ये डिनोमिनेटर को ऐड कर दिया और यहाँ डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो देखो जो लेफ्ट साइड है 1 से 1 कैंसिल या ओमेगा w से w कैंसिल तो 2w बाय माइनस 2, दिस इज माइनस के w इज इक्वल टू, अब इसको मल्टीप्लाई करके हम सोल्व करेंगे तब हमारे पास क्या आ जाता है, दिस इज 3 जेड प्लस 2 आयटा अपॉन 6 माइनस आयटा जेड, तो w की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 जेड प्लस 2 आयटा बाय आयटा जेड माइनस 6, दिस इज रिक्वायर्ड मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन। तो इस टाइप से हम ये क्रूस रेशो का यूज करके इक्वेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं। और क्वेश्चन देखते हैं, देखो इसके अब नेक्स्ट है डिटरमाइन मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन। विच हैज one fixed point alpha and other fixed point infinity, तो वो मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करनी है। तो भाई कंसिडर कर लेते हैं पहले, तो मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है, w इज इक्वल टू ए जेड प्लस बी बाय सी जेड प्लस डी। ठीक है, अब हमें गिवन है एक फिक्स पॉइंट
वन फिक्स पॉइंट क्या है अल्फा एंड अदर क्या है इंफिनिटी, तो उस केस में क्या कंडीशन थी, सी इज इक्वल टू जीरो एंड ए माइनस डी दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो, तब ये इक्वेशन वन को हम क्या लिख सकते हैं, जो आर्टिकल किए थे हमने पीछे लास्ट वीडियोज में हमें किए थे, तो W को हम कैसे लिख सकते हैं, ए जेड प्लस बी बाय डी, सी की जगह जीरो पुट कर देंगे तो ए बाय डी जेड प्लस बी बाय डी, ये सेकेंड इक्वेशन कंसिडर कर लें। ठीक है, अब फिक्स पॉइंट के लिए क्या करते थे, फॉर फिक्स पॉइंट हम W को क्या पुट करते थे, जेड, तो जेड इज इक्वल टू ए बाय डी जेड प्लस बी बाय डी। ठीक है, तो यहाँ z की जगह क्या पुट करना है, अब पुट कर देते हैं z की जगह अल्फा, तो अल्फा इज इक्वल टू a बाय डी अल्फा प्लस b बाय डी, ये कंडीशन आ गई है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, ये इक्वेशन नंबर 3 लिख लेते हैं। ठीक है, तो अब जो सेकंड है उसमें से थर्ड को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ओमेगा ये डब्ल्यू माइनस अल्फा किसके इक्वल आएगा, बी बाय डी कैंसिल, तो ए बाय डी बाहर आ गया, दिस इज जेड माइनस अल्फा, इसको हम कोई और वैल्यू लिख देते हैं, दिस इज लैम्डा, तो ये क्या आ जाएगा, जेड माइनस अल्फा। ठीक है, तो रिक्वायर्ड मूवीज ट्रांसफॉर्मेशन क्या बन गई, वही डब्ल्यू माइनस अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा इंटू जेड माइनस अल्फा, वेयर लैम्डा इज इक्वल टू ए बाय, दिस इज रिक्वायर्ड मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन। तो इस टाइप से जिस मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन में एक पॉइंट फिक्स है और अदर पॉइंट क्या है इंफिनिटी, तो हम इस टाइप से फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, फाइंड द मूवीज ट्रांसफॉर्मेशन विच मैप्स मूवीज ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करनी है, विच मैप्स भाई जेड इज इक्वल टू जीरो माइनस वन एंड इंफिनिटी इंटू किस पे, डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस वन माइनस टू माइनस आयटा एंड प्लस के आयटा रिस्पेक्टिवली, तब फाइंड आउट करना है। तो देखो कैसे सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, सबसे पहले तो वही क्रॉस रेशियो लिख लेते हैं, डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू वन, डब्ल्यू टू माइनस डब्ल्यू थ्री, डब्ल्यू वन माइनस के डब्ल्यू टू और W3 थ्री माइनस के W, दिस इज इक्वल टू Z माइनस जेड वन, जेड टू माइनस जेड थ्री, यहाँ आ जाएगा जेड वन माइनस जेड टू और जेड थ्री माइनस के जेड। ठीक है, अब जो जो ये पॉइंट्स गिवन है ये इनकी वैल्यूज हम इसमें पुट कर देंगे, भाई जेड वन को जीरो, Z2 को माइनस वन, Z3 को इन्फिनिटी एंड W1 को माइनस वन, W2 माइनस टू, माइनस टू माइनस आयटा और W3 क्या है, दिस इज आयटा। अब इसमें पुट कर देते हैं, देखो क्या बनता है हमारा, W प्लस वन माइनस टू माइनस आयटा अपॉन माइनस वन प्लस टू प्लस आयटा आयटा माइनस डब्लू, दिस इज इक्वल टू यहाँ जाएगा जेड माइनस जीरो माइनस वन माइनस इन्फिनिटी अपॉन जीरो प्लस वन इन्फिनिटी माइनस जेड। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, तो देखो ये आ जाता है W प्लस वन माइनस टू आयटा
or this is 1 plus iota, iota minus w, इधर आ जाता है z, minus common ले लो, और ये आ जाता है infinity plus 1, और इधर क्या आ जाता है infinity minus z, ठीक है? बट ये इन्फिनिटी को हम अलग से सोल्व कर सकते हैं. कैसे सोल्व करें? इन्फिनिटी प्लस वन बाय इन्फिनिटी माइनस जेड, दिस इज लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, एन प्लस वन बाय एन माइनस जेड. तो एन को मन लेकर कैंसिल करते हैं, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई है? तो अब ये क्या बन जाएगा क्वेश्चन देखो हमारा. दिस इज w प्लस वन बाय, अच्छा इस ये जो माइनस है इधर कैंसिल करके w माइनस आयटा इंटू में माइनस टू आयटा अपॉन वन प्लस आयटा इज इक्वल टू, क्या बच जाता है? ये z आ जाता है, ठीक है? अब हम इसको और सिंपलीफाई करें, हमें W की वैल्यू निकालनी है. देखो W प्लस वन बाय W माइनस आयटा, दिस इज इक्वल टू Z, ऊपर गया ये वन प्लस आयटा, माइनस टू को मन ले लो वन प्लस आयटा, ये तो कैंसिल हो गया, माइनस के Z बाय टू हो गया. अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो टू W प्लस के टू, माइनस के Z W प्लस के Z आयटा, तो ये इधर आ जाएगा 2w प्लस के zw इज इक्वल टू z आयटा माइनस टू. तो यहाँ से w कॉमन ले लेते हैं, w कॉमन तो 2 प्लस z इज इक्वल टू z आयटा माइनस टू, तो w की वैल्यू क्या आ गई है? आयटा z माइनस टू अपॉन 2 प्लस z. दिस इज रिक्वायर्ड मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन. तो हम क्रॉस रेशो का यूज करके ये क्वेश्चंस फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है? इन्फिनिटी आ जाए तो इन्फिनिटी वाले को हम पुट करके और इस टाइप से सोल्व करेंगे. तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. देखो फाइंड द मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन which maps the points z is equal to 0 minus 1 iota onto w is equal to iota 0 and infinity. एक तो ये निकालने, also find the image of the यूनिट सर्कल मोड जेड इज इक्वल टू वन, ये भी फाइंड आउट करनी है. तो देखो हम कैसे कर सकते हैं इसमें. सबसे पहले तो वही फॉर्मूला है हमारा कि भाई क्या करेंगे, वो फॉर्मूला लिखेंगे w माइनस w1 w2 माइनस w3, और यहां पर हम चलो उसमें सिंपल तरीके से ही बता देता हूँ, ये आपको ध्यान रहेगा w2 माइनस w1 दिस इज z माइनस z1 z2 माइनस z3, और इधर आ जाएगा z माइनस के z3 और z2 माइनस के z1. तो अब आपके पास यहाँ क्या है, z इज इक्वल टू 0 माइनस 1 आयटा एंड w इज इक्वल टू आयटा 0 एंड इनफिनिटी. ये हो गया z1, ये z2, ये z3, ये W1, W2, W3. अब इन सब की वैल्यूज पुट करके हम इसको सॉल्व करते हैं. देखो सबसे पहले W3 की वैल्यू इन्फिनिटी है, तो इसको हम ऐसा सॉल्व करते हैं W माइनस W1, थोड़ा सा सिंपल W2 बाय W3 माइनस 1 W3 कॉमन, ठीक है? ये W3 कॉमन, W by W3 minus 1 और ये W2 minus के W1,
अब डब्लू थ्री से डब्लू थ्री कैंसिल, ये वही है वैल्यू। ठीक है, इस टाइप से लिख देंगे। अब इन सब की वैल्यूज इसमें पुट करते हैं। देखो ये है W माइनस आयटा और ये हमारा पहले जीरो बन जाएगा, तो माइनस वन अपॉन क्या बन जाएगा, दिस इज माइनस वन और W2 क्या है, जीरो और माइनस आयटा। ठीक है, और इधर क्या बन जाएगा, z माइनस के जीरो और माइनस वन माइनस के आयटा, z माइनस आयटा और माइनस वन माइनस के जीरो। ठीक है, तो अब यहां से हम सोल्व करके वैल्यू निकालते हैं। ये आ जाता है w माइनस आयटा माइनस वन बाय आयटा इज इक्वल टू z माइनस वन कॉमन वन प्लस आयटा अपॉन में जेड माइनस आयटा इंटू माइनस वन, माइनस वन से माइनस वन कैंसिल, तो डब्ल्यू माइनस आयटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, जेड वन प्लस आयटा अपॉन जेड माइनस आयटा और ये माइनस के आयटा हो जाएगी। ठीक है, तो अब देखो इसको कैसे सोल्व करते हैं। तो W की वैल्यू क्या आ जाएगी, आपके पास आयटा इस साइड आके ऐड हो जाएगा, Z माइनस आयटा और माइनस आयटा स्क्वायर प्लस वन और अपॉन में Z माइनस आयटा प्लस में आयटा, तो एलसीएम ले लेते हैं, Z माइनस आयटा तो अपॉन में ये आ जाएगा माइनस के आयटा Z प्लस के Z प्लस के आयटा Z माइनस आयटा स्क्वायर प्लस के वन, आयटा जेड कैंसिल, दिस इज जेड प्लस वन बाय जेड माइनस आयटा। तो डब्ल्यू किसके इक्वल आ गया, जेड प्लस वन बाय जेड माइनस आयटा। तो ये तो है हमारी रिक्वायर्ड बाय मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन या फिर बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब हमें निकालने इमेज ऑफ यूनिट सर्कल, तो इमेज कैसे निकालेंगे, पहले तो जेड की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब इसमें क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जेड डब्ल्यू माइनस के आयटा डब्ल्यू इज इक्वल टू जेड प्लस वन, जेड डब्ल्यू माइनस के जेड इज इक्वल टू वन प्लस आयटा डब्ल्यू, तो जेड कॉमन ले लेंगे तो डब्ल्यू माइनस वन, वन प्लस आयटा डब्ल्यू, तो यहां से देखो क्या आ जाएगा, जेड इज इक्वल टू आयटा डब्ल्यू प्लस वन अपॉन डब्ल्यू माइनस वन। नाउ मोड जेड इज इक्वल टू वन हमें गिवन है, इसकी इमेज निकालनी है, तो क्या लिख लेंगे, दिस इंप्लाइज आयटा डब्ल्यू प्लस वन बाय डब्ल्यू माइनस वन की मॉडुलस वैल्यू वन, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, क्या आ जाएगा, आयटा डब्ल्यू प्लस वन का मॉडुलस इज इक्वल टू डब्ल्यू माइनस वन, आयटा डब्ल्यू क्या होता है, यू प्लस आयटा वी, यू प्लस आयटा वी माइनस वन, तो ये आ जाएगा वन आयटा स्क्वायर माइनस वन, वन माइनस वी प्लस आयटा यू, दिस इज इक्वल टू यू माइनस वन प्लस के आयटा वी, तो इसमें क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट इक्वल स्क्वेयरिंग कर लेंगे तो वन माइनस वी का होल स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू यू माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। अब इसको सोल्व करते हैं, देखो क्या आएगा, वन प्लस वी स्क्वेयर माइनस टू वी प्लस यू स्क्वेयर, दिस इज यू स्क्वेयर माइनस टू यू प्लस वन प्लस में वी स्क्वेयर, वी स्क्वेयर वी स्क्वेयर कैंसिल, यू स्क्वेयर फिर यू स्क्वेयर कैंसिल, वन से वन कैंसिल, माइनस टू यू माइनस टू वी, दिस इज यू इज इक्वल टू वी। तो इसका मतलब जो यूनिट सर्कल है हमने क्या करके दिखाया, इसमें यूनिट सर्कल कैसे है भाई, ये तो भाई जेड इज इक्वल टू वन यूनिट सर्कल होगी और ये किस पे मैप कर रही है, इस लाइन पे, ये यू इज इक्वल टू बी लाइन। ठीक है, ये तो था जेड प्लेन और ये हमारा आ गया डबल प्लेन। ठीक है, तो इस टाइप से ये क्वेश्चन हम कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो फाइंड द ट्रांसफॉर्मेशन, विच मैप्स आउटसाइड ऑफ मोड जेड इज इक्वल टू वन ऑन द हाफ प्लेन आर डब्ल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो सो डैट द पॉइंट्स जेड इज इक्वल टू वन माइनस आइटा माइनस वन कोरस्पोंड टू डब्ल्यू इज इक्वल टू आयटा जीरो माइनस आयटा रिस्पेक्टिवली। तो देखो कैसे करेंगे हम सोल्व इसको। पहले तो वही है हमारे पास भाई डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू माइनस डब्ल्यू थ्री क्रॉस रेशो से डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू थ्री और W2 माइनस के W1 दिस इज इक्वल टू Z माइनस Z1 और Z2 माइनस Z3, Z माइनस Z3 और Z2 माइनस Z1। तो ये जो गिवन है हमारे पास, ये समझो Z1, ये Z2, ये Z3 है, ये W1, W2 और ये हमारा क्या आ गया W3। ठीक है, तो इसमें पुट कर लेते हैं तो क्या आ जाता है W माइनस आयटा और जीरो प्लस आयटा अपॉन में क्या आ जाएगा W माइनस माइनस प्लस W प्लस आयटा और जीरो माइनस आयटा दिस इज इक्वल टू Z माइनस वन माइनस आयटा प्लस वन जेड माइनस माइनस प्लस वन और जेड टू माइनस आयटा माइनस। तो ये आ गया है, तो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखो यहां आ जाता है हमारे पास डब्ल्यू माइनस आयटा अपॉन डब्ल्यू प्लस आयटा, ये ऊपर आयटा नीचे आयटा तो ये माइनस वन आ जाएगा, माइनस वन आ गया। तो इधर क्या है जेड माइनस वन, ये हो गया वन माइनस आयटा और जेड प्लस वन, एक माइनस वन यहाँ से कॉमन ले लेते हैं तो ये आ जाता है वन प्लस आयटा, माइनस वन से माइनस वन कैंसिल। इसको रैशनलाइज कर लेंगे, वन माइनस आयटा वन माइनस आयटा, तो डब्ल्यू माइनस आयटा बाई डब्ल्यू प्लस आयटा किसके इक्वल आ जाता है जेड माइनस वन जेड प्लस वन ऊपर आ जाएगा वन माइनस आयटा का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस के टू ए बी अपॉन में वन प्लस वन, ये कैंसिल टू से टू कैंसिल माइनस आयटा आ जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू माइनस के आयटा जेड प्लस के आयटा अपॉन जेड प्लस। इतना आने के बाद हम फिर इसमें यूज करते हैं यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंड। तो देखो W माइनस आयटा ऊपर भी लिख लिया और W माइनस आयटा नीचे भी लिख लेते हैं। अब जो डिनोमिनेटर है उसको ऐड करते हैं ऊपर और यहाँ सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ऐसे ही माइनस आयटा जेड प्लस आयटा माइनस आयटा जेड प्लस आयटा, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ऐड करते हैं और डिनोमिनेटर में सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो इधर तो पहले आयटा कैंसिल ये दिस, तो हमारे पास यहाँ क्या बच जाता है टू डब्ल्यू बाय माइनस के टू आयटा, टू से टू कैंसिल इधर आ जाएगा
पहले जेड कॉमन ले लें तो वन माइनस आयटा प्लस के वन प्लस आयटा, यहाँ से माइनस जेड कॉमन तो वन प्लस आयटा प्लस के माइनस आएगा, माइनस कॉमन ले लेते, माइनस कॉमन ले लिया तो वन माइनस आयटा, ठीक है। तो अब देखो W की वैल्यू क्या हो जाएगी, इधर से डिनोमिनेटर से माइनस कॉमन लेकर हम इस माइनस से कैंसिल करेंगे, आयटा इधर ऊपर से वन माइनस आयटा कॉमन, तो जेड प्लस वन प्लस आयटा बाय वन माइनस आयटा, डिनोमिनेटर में क्या बचेगा वन प्लस आयटा, और यहाँ जेड प्लस वन माइनस आयटा बाय वन प्लस आयटा। तो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आयटा से मल्टीप्लाई करें, आयटा प्लस वन ये सारा क्या बन जाता है मल्टीप्लाई करके वन प्लस आयटा बाय वन प्लस आयटा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या बचेगा z, इसको रेशनलाइज करके सोल्व करेंगे, ऊपर आयटा बच जाएगा और नीचे माइनस आयटा, ये दोनों कैंसिल, तो w किसके इक्वल आ गया z प्लस आयटा अपॉन z माइनस आयटा। तो ये तो क्या आ गया हमारी रिक्वायर्ड मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन। अब इसको सोल्व करते हैं भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, w इंटू जेड माइनस आयटा इज इक्वल टू जेड प्लस आयटा, डब्ल्यू जेड माइनस आयटा डब्ल्यू इज इक्वल टू जेड माइनस आयटा, डब्ल्यू जेड माइनस जेड इज इक्वल टू आयटा डब्ल्यू माइनस आयटा, जेड कॉमन ले लेंगे तो ये आयटा डब्ल्यू माइनस आयटा बाय डब्ल्यू माइनस वन, आयटा कॉमन ऊपर तो ये प्लस आना प्लस है, ये प्लस था ना, आयटा कॉमन तो w प्लस वन बाय w माइनस वन, तो इस टाइप से आ गया है। अब हमें क्या गिवन है, जो मोड z है दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन, दिस ट्रांसफॉर्म इनटू आयटा w प्लस वन बाय w माइनस वन, इसका मॉडुलस ग्रेटर देन और इक्वल टू वन हो गया, मोड आयटा तो वन होता है, तो क्या हो गया w प्लस वन इसका मॉडुलस बाय w माइनस वन का मॉडुलस ग्रेटर देन और इक्वल टू वन, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके w प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल टू w माइनस वन, अब स्केयरिंग कर लेंगे, अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, u प्लस आयटा v प्लस वन इसके मॉडुलस का स्क्वेयर, u प्लस आयटा v माइनस वन के मॉडुलस का स्क्वेयर, इसको लिख सकते हैं हम u प्लस वन प्लस आयटा v के मॉडुलस का स्क्वेयर, u माइनस वन प्लस के आयटा v के मॉडुलस का स्क्वेयर। तो अब इसको सोल्व करें तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आएगा u प्लस वन का होल स्क्वेयर प्लस v स्क्वेयर ग्रेटर देन इक्वल टू u माइनस वन का होल स्क्वेयर प्लस v स्क्वेयर, v स्क्वेयर से v स्क्वेयर कैंसिल, तो यू स्क्वेयर प्लस वन प्लस टू यू ग्रेटर देन इक्वल टू यू स्क्वेयर माइनस टू यू प्लस वन, ये कैंसिल, तो फोर यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो डेट इज यू ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। तो ये क्या है रियल पार्ट ऑफ डब्ल्यू, रियल पार्ट ऑफ डब्ल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, ग्रेटर देन और इक्वल टू जी, यही हमें प्रूव करना था। हैंक्स एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल दिस इज ट्रांसफॉर्म इनटू हाफ प्लेन रियल डब्ल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, कैसे कर सकते हैं, जैसे भी ये यूनिट सर्कल, इसका एक्सटीरियर तो ये हो गया एक्सटीरियर, ये किस में है जेड प्लेन में, और ये यहाँ से अपने पास क्या है यू, इसका यू और ये वी, यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ये साइड, ये किस में है W, ठीक है। तो इस टाइप से हम ये कुछ क्वेश्चंस करेंगे, बाकी चैप्टर कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीडियो।
थैंक्स। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ कमेंट करके भी आप बता सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी।